डीबी रियल्टी की ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन साइट जो उन्होंने प्रेस्टीज स्टेट इरफान रजा को बेचे, देख लीजिए यहाँ पे ना कोई बोर्ड है, ना नेम बोर्ड है, ना सीएस नंबर है, ना आर्किटेक्ट का नाम है, और धलड़े से काम जारी है 2.3 एकड़ ज़मीन पे, जिसे इरफान रजा ने 12 जुलाई को 704 करोड़ रुपए में ख़रीदे, और यहाँ पे वो 300 मीटर हाइट में दो टावर 55 माले के बनाने वाले। ये एसके पाटिल उद्यान है, जिसके एग्जैक्टली सामने ये ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है। तो देख लीजिए कि बीएमसी क्या कर रही है, ना कुछ नेम बोर्ड है, ना आरसीजी कंसल्टेंट का नाम है, ना आर्किटेक्ट का नाम है, ना इंजीनियर का नाम है, ना बिल्डर का नाम है, ना डेवलपर का नाम है, कुछ नाम नहीं है, और बाजू में ये बड़ा कब्रिस्तान है। चाहता हूं कि जो मुल्क है उस कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, संविधान पे चलता है, और स्टेट जो चलती है उसके जो अंदर कॉर्पोरेशन वगैरह होती है वो बायलॉज पे चलती है, जैसा बीएमसी। लेकिन हमारी सिटी मुंबई में कुछ अलग ही जंगल राज चल रहा है। आपकी स्क्रीन पे ये एस के पाटिल उद्यान मरीन लाइन पे जो वाक्य है उसके बिल्कुल सामने डीबी रियल्टी ग्रुप का ये प्लॉट 2.3 एकड़ का, और 12 जुलाई 2023 टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल जो आपकी स्क्रीन पे, जिसमें बताया गया है कि प्रेस्टीज ग्रुप जो बेंगलोर की कंपनी है और जिसके कर्ता धर्ता चेयरपर्सन है इरफान रजाक, उन्होंने 704 करोड़ में ये 2.3 एकड़ का प्लॉट डीबी ग्रुप से खरीद लिया। अब ये जो प्लॉट है जिसके ऊपर डीबी प्रेस्टीज ग्रुप, उनके स्पोक पर्सन ने बताया कि हम यहाँ पे 300 मीटर हाइट में दो टावर बनाएंगे 55 माले के, और उनको जो एरिया मिल रहा है इस कंस्ट्रक्शन से 5 लाख स्क्वायर फीट कारपेट मिल रहा है, और जब ये बना के सेल करेंगे तो इसकी कॉस्ट होगी 5000 करोड़ रुपया। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली कि ये 2011 से डीबी रियल्टी पे 200 करोड़ एरियस बाकी है बीएमसी का, जब डीबी रियल्टी ने यहाँ पे होटल बनाने का ख्याल लाए, और आज तक ये एरियस 12 साल गुजर चुके लेकिन डीबी रियल्टी ने बीएमसी को नहीं भरी। और हम सब जानते हैं कि जहां पे भी जो कंस्ट्रक्शन काम चालू होता है, डेवलपमेंट का काम चालू होता है, वहां पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाना कंपलसरी है, जिसमें बिल्डर का नाम होता है, डेवलपर का नाम होता है, आर्किटेक्ट का नाम होता है, आरसीसी कंसल्टेंट का नाम होता है, वो सीएस नंबर रहता है, कौन सा डिविजन है वो रहता है। लेकिन यहां पे लास्ट सैटरडे 15 जुलाई 2023 मैंने पर्सनली मुआयना किया, मगर यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं था, और यहाँ पे धलड़े से पाइलिंग का काम चालू था। तो अब बीएमसी के जो चीफ है इकबाल सिंह चहल, क्या इन्होंने परमिशन दिए थे इरफान रजाक प्रेस्टीज ग्रुप के कि आप कंस्ट्रक्शन काम चालू कर दो, या इससे पहले विनोद गोयनका या शाहिद बलवा ऑफ डीबी रियल्टी लिमिटेड के जो कर्ता धर्ता है चेयरपर्सन है उनको परमिशन दिए थे, क्योंकि पहले वो होटल बनाने वाले थे, उससे पहले तो वो 110 माले का टावर बनाने वाले थे शेड क्रिएटर के साथ, सब फ्लॉप हो गया। अब उन्होंने देखे कि ये जगह तो बिल्डर लॉबी के लिए मनहूस थी, तो इन्होंने अभी ये जगह इरफान रजाक की प्रेस्टीज ग्रुप को बेच दिए, और इरफान रजाक 12 जुलाई को ये आर्टिकल पूरा वायरल हुआ था न्यूज़पेपर के तहत, और एक आर्टिकल जो टाइम्स ऑफ इंडिया में था जिसे मैंने पढ़ा, उसके बाद ही मैंने साइट पे जाकर मुआयना किया, तो इधर अभी कोई परमिशन ही नहीं है, कोई बोर्ड ही नहीं है, और उसके बावजूद धलड़े से काम कंस्ट्रक्शन का चालू हो गया। तो कैसे हो गया, ना आर्किटेक्ट का नाम है, ना बिल्डर का नाम है, ना डेवलपर का नाम है, ना आरसीसी कंसल्टेंट का नाम है, ना सीएस नंबर है, ना डिविजन है,
कुछ बोर्ड नहीं है, कुछ बैनर नहीं है, तो काम कैसा चालू हुआ? और सबसे पहले डीबी रियल्टी ने या प्रेस्टीज ग्रुप ने जो 200 करोड़ रुपया आपका और हमारा बीएमसी की जो इनकम हो रही है वो आपसे और हमारे से जो कलेक्शन कर रही है मुख्तलिफ शक्लों में, तो उससे बीएमसी की इनकम हो रही है। और ये जो 200 करोड़ रुपये ये भरने के बाकी थे तो क्या उन्होंने बीएमसी को भरे? और अगर नहीं भरे हैं तो काम कैसा चालू हुआ कंस्ट्रक्शन का? कैसा पाइलिंग का काम चालू हुआ? कैसे वहां पे वर्कर काम कर रहे? कैसा सुपरवाइजर सुपरवाइज कर रहा है? तो हमने हमारा काम कर दिए। जैसा कि मैं मोहम्मद नईम शेख फाउंडर ऑफ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, तो जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड, न्यू दिल्ली से रजिस्टर्ड महाराष्ट्र स्टेट के लिए, तो हमने हमारा काम कर दिए। हमने 20 आरटीआई डाले मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में और लाइन से आप उसकी तस्वीर देखते रहिए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में हमने डाले। और हमने एक ही चीज पूछे कि आपने लिखित में परमिशन दिए डीबी रियल्टी को या प्रेस्टीज ग्रुप को ये कंस्ट्रक्शन काम चालू करने के लिए? ये सी वर्ड म्युनिसिपल ऑफिस के बाजू में आता है, ये है एसके पाटिल उद्यान, उसके बाजू में बड़ा कब्रस्तान है और जस्ट उसके बाजू में चंदनवाड़ी है और जहां पे सी वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस की ऑफिस है, और वहां से उसका असिस्टेंट कमिश्नर से लेके असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री अपनी कैबिन से बाकायदगी से देख सकता है कि ये काम एसके पाटिल उद्यान के सामने जो काम चालू हुआ है प्रेस्टीज ग्रुप का, मरीन लाइन स्टेशन के सामने जो वाक्य है, इन्होंने कोई भी परमिशन नहीं लिया, ना बीएमसी हेड ऑफिस से लिए, ना महाड़ा से लिए, ना बिल्डिंग प्रपोजल से लिए, ना सीवर म्युनिसिपल ऑफिस से लिए। तो ये काम चालू कैसे हुआ और वो 200 करोड़ कहां गए? डीबी रियल्टी ने 200 करोड़ जो एरियस बाकी था 2011 से भरा विथ इंटरेस्ट विथ पेनल्टी। अगर उसने नहीं भरा तो इरफान रजाक की प्रेस्टीज ग्रुप ने भरा, और अगर नहीं भरे तो काम कैसा चालू हुआ? और मैंने सारा डिटेल आरटीए के तहत मांगा कि अगर इसने भरा है, पे किया है, तो मुझे सारा इन्फॉर्मेशन इन डिटेल्स में दीजिए। तो यहां पे जब तक वो 200 करोड़ का जो एरियर्स है डीबी रियल्टी अदा नहीं कर देती, जब तक के हर डिपार्टमेंट से रिक्वायर्ड रिटर्न परमिशन नहीं ले लेती, चाहे वो डीबी रियल्टी रहे चाहे वो प्रेस्टीज ग्रुप रहे, अब तो प्रेस्टीज ग्रुप का ही लेना देना है, तो उस वक्त तक ये काम चालू नहीं हो सकता। और अगर ये काम चालू है तो इकबाल सिंह चहल म्युनिसिपल कमिश्नर को इस पे इमीडिएट इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए। और ये जो इलीगल ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन पाइलिंग काम चालू है, क्योंकि ये इलीगल ही है, जब परमिशन नहीं ली तो इलीगल है, इमीडिएट स्टॉप होना चाहिए।